वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की चाट। तो इसके लिए मैंने पहले चार बड़े बड़े आलू को बारीक कट कर लिए हैं और अभी मैं प्रेशर कुकर में डाल के इसको ढक्कन लगा दूँगी और छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। तीन चार विसल्स आ जाएंगी, उसके बाद मैं ढक्कन खोल लूँगी। अभी मैं उसके चाट के ऊपर जितने भी सारे चीज़ें देना चाहिए वो सब तैयार करें। तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून दही, थोड़ा सा नमक, 2 टेबलस्पून शक्कर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा भाजा मसाला। और अभी मैं अच्छे से इसको फेंट ले रही हूँ और देखिए इसका कंसिस्टेंसी कितना अच्छा है। और अभी मैं जो आलू पका रही थी वो भी पक चुका है, इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी क्योंकि मैं आलू की चाट बना रही हूँ, इसलिए पीसेस ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा ही होना चाहिए। देखिए मैं छोटे छोटे पीस में कट कर ले रही हूँ। और मेरे पास तो धनिया पत्ता और प्याज नहीं है तो मैं नहीं दूँगी, आप चाहे तो दे सकते हो। तो मैंने सारा आलू कट कर लिए हैं। तभी मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा इमली का अचार और दे दूंगी और अभी इसके ऊपर से थोड़ा सा दही दे दूंगी जो कि मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी। और अभी मैं इसके ऊपर दूंगी चनाचूर। आप भुजिया भी यूज़ करते रह सकते हैं, मैं यहाँ पे चनाचूर दे रही हूँ, बहुत ही टेस्टी होता है। फिर इसके ऊपर से मैं फिर से थोड़ा सा इमली का अचार दे दूंगी और इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा भाजा मसाला ऐड कर दूंगी। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है।